नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं किफायती दाम पर सुलभ कराना है। केंद्र सरकार ने देश में 1,570 करोड़ रुपए की लागत से 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को भी स्वीकृति मिली। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओवादी हमले में 10 सुरक्षाकर्मी सहित 11 लोग मारे गए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मन की बात पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आकाशवाणी देश के लोगों की आवाज है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं किफायती दाम पर सुलभ कराना है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराना सरकार की प्राथमिकता है। वे आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया एक धरती एक स्वास्थ्य सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन कर रहे थे। दिस विजन इंडिया सीज मेडिकल वैल्यू ट्रैवल एंड हेल्थ वर्कफोर्स मोबिलिटी एज इम्पोर्टेंट फॉर ए हेल्दी प्लैनेट। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इज एन इम्पोर्टेंट एफर्ट इन दिस डायरेक्शन। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से निपटने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि अब समय है कि स्वास्थ्य सेवाओं को समन्वित संस्थागत और समावेशी प्रयास से सर्वसुलभ बनाया जाए। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अन्य मुद्दों के साथ इस मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश में 1,570 करोड़ रुपए की लागत से 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इन्हें मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के स्थल पर ही खोला जाएगा। ये निर्णय आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति की बैठक में किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। देश के युवाओं को बीएससी नर्सिंग और जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए 1,570 करोड़ रुपया क्वासीसीईए ने मंजूरी दी है और अगले 24 महीने में ये नर्सिंग कॉलेज को पूरी करके राज्य को राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस नीति से चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को और विकसित करने में मदद मिलेगी। ये सनराइज सेक्टर आज 90,000 करोड़ का उसका कद है। आने वाले दिनों में आज हम 75% मेडिकल डिवाइस हम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। देश में ही हम मेडिकल डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग करें, देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करें और दुनिया को हम हमारे मेडिकल डिवाइस एक्सपोर्ट भी करें, उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट करना बहुत आवश्यक था। तो जिस तरह से इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है और हम उसको पॉलिसी के तहत उस सिस्टम में लाएंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से हम उसमें काम करेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब 25 साल में हम देश को मेडिकल डिवाइस सेक्टर में एक प्रमुख रूप में दुनिया में स्थापित कर पाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5,20,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज नक्सली हमले में 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इस घटना में एक वाहन चालक भी मारा गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अतिरिक्त बलों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अरनपुर इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक टीम को इस इलाके में नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया। अभियान के पश्चात जब यह टीम दंतेवाड़ा वापस लौट रही थी, तभी अरनपुर के पास माओवादियों ने जवानों के वाहन को निशाना बनाते हुए IED विस्फोट किया। घटना की सूचना मिलते ही CRPF और DRG का अतिरिक्त बल मौके पर भेजा गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले की कड़ी निंदा की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। गृहमंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत कर हमले की जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आकाशवाणी देश के लोगों की आवाज है। मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल का संदेश भी देशवासियों तक पहुंचाया है। 130 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों ने मन की बात को सुना है। इससे बड़ी रीच किसी भी कार्यक्रम की नहीं, और मैं साच अर्थ में मानता हूं कि मोदी जी ने जो प्रयास किया है एक परिणाम लाने वाला प्रयास साबित हुआ है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 में देश के नेतृत्व में बदलाव के बाद सरकार और समाज के बीच एक सकारात्मक तालमेल बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से संवाद के लिए आकाशवाणी को माध्यम बनाया। गुड गवर्नेंस की बात हमने कई जगह, आपने कई उदाहरण देखे होंगे, लेकिन राजनीतिक जीवन में जो संवाद की महत्वपूर्ण जो महत्ता होती है वो मन की बात एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सब आज तो रेडियो का प्रभाव कम है, लेकिन बचपन में रेडियो जिंदगी का एक ऐसा अभिन्न अंग था कि जिसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी समापन सत्र को संबोधित किया। गृहमंत्री ने मन की बात के 100 एपिसोड पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज चर्चा का विषय है में प्रधानमंत्री के मन की बात @100 श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम मन की बात जन के संवाद की एक अनूठी पहल प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारतीयों की मुट्ठी में आसमान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में प्रस्तुत है अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम पर प्रधानमंत्री के विचार। भारत को जब आजादी मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल को कुछ और ही उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों की छत्रछाया के बिना भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन करोड़ों भारतीयों की मेहनत और बौद्धिक क्षमता ने विंस्टन चर्चिल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तो हालत ये है कि दुनिया भर के देश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के जरिए
अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भिजवा रहे हैं। इसरो उन्हें निराश भी नहीं कर रहा है। 26 जून 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसरो की इस कामयाबी का यूं जिक्र किया है। युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 बजे दोपहर समाचार और 8:45 बजे समाचार संध्या में सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए चौकन्ने रहिए। ये आकाशवाणी है। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से राज्य में प्रचार शुरू करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी कल वर्चुअल कार्यक्रम में 50 लाख भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी राज्य में प्रचार कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका 95 वर्ष की आयु में कल रात निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री बादल को चंडीगढ़ में श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि ऑपरेशन कावेरी के जरिए 360 भारतीय सऊदी अरब के जेद्दा हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संघर्षरत सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सोमवार को कावेरी अभियान शुरू होने की जानकारी दी थी। पीवी सिंधु दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। पहले दौर में सिंधु ने ताइवान की वेंग ची सू को पराजित किया। पुरुष वर्ग में किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर दिया है। उन्होंने पहले दौर में अदनान इब्राहिम को पराजित किया। लक्ष्य सेन हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 2 विकेट पर 161 रन बना लिए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 170 अंक की तेजी के साथ 60,301 पर बंद हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं किफायती दाम पर सुलभ कराना है। केंद्र सरकार ने देश में 1,570 करोड़ रुपए की लागत से 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को भी स्वीकृति मिली। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओवादी हमले में 10 सुरक्षाकर्मी सहित 11 लोग मारे गए और गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मन की बात पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा आकाशवाणी देश के लोगों की आवाज है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।